देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के वार्ड नंबर 16 निगम पार्षद सुमन शर्मा के क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम और निगम पार्षद की छत्र छाया में ए ब्लॉक मार्केट में रॉयल स्टैंडर्ड स्वीट्स अवैध सरकारी जमीन पर बड़े होटल 4 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई। सरकारी जमीन पर इतना बड़ा निर्माण कार्य करने के बाद नेताजी सोते रहे और दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी हरियाली नींद सो रहे थे। कोई भी अधिकारी हो या नेता जग नहीं पाया। इतना बड़ा बिल्डिंग बन गई, सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। कहें तो सबकी जेब में मोटा पैसा जा चुका है, करोड़ों की रिश्वत चल चुकी है। कैसे नेताजी किसी पर कार्रवाई करेंगे? जब नेताजी के पास पैसे नहीं जाएगा तभी तो कार्रवाई होगी। सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 16 के भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद सबसे भ्रष्ट निगम पार्षद में इनकी गिनती की जाती है। सुमन शर्मा और अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही हैं। जनता का कहना है कि निगम पार्षद सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, उनके इलाके में सारे अवैध काम चल रहे हैं। तभी तो सरकारी जमीन पर रॉयल स्टैंडर्ड स्वीट के नाम 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई और अधिकारी से लेकर नेता तक सब सो रहे थे। शिकायत के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए क्योंकि वह जब मोटा रिश्वत उनको जा चुकी है तो कार्रवाई करेगा कौन? दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सूत्र के अनुसार जिसकी बिल्डिंग है वह क्षेत्रीय नेता माना जा रहा है, इसलिए इसका दबाव भी है। अधिकारी से लेकर नेताओं तक सिक्का चलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद सुमन शर्मा आराम से पैसे लेकर काम करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन सारे भ्रष्टाचार निगम पार्षद से लेकर नेता तक भारतीय जनता पार्टी में जमा हो चुके हैं। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। फिर भी अपने नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब होगी? अवैध निर्माण पर जल्द हथौड़ा चलाने की जरूरत है। जब तक अवैध निर्माण पर हथौड़ा नहीं चलेगा, नेशनल इंडिया न्यूज लगातार अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा।